नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार स्टिपडेट में। तो आज के वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ खास जानकारी जानने को मिलेगी। तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत माता की एक बहू के बारे में, जिसे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धर्म पत्नी के रूप में भी जान सकते हैं, जिनका भारत में कभी स्वागत नहीं किया गया था। कांग्रेस ने इनको भी नेताजी की तरह गुमनाम कर दिया था। श्रीमती एमिली सेंकल ने सुभाष चंद्र बोस जी से 1937 में विवाह किया था। एक ऐसे देश को ससुराल के रूप में चुना जहां कभी इस बहू का स्वागत नहीं किया गया। न ही बहू के आगमन पर मंगल गीत गाए गए, न ही उनकी बेटी अनीता बोस के जन्म पर कोई गीत गाया गया। यहाँ तक कि गुमनामी की एक इतनी मोटी चादर से ढक दिया कि इनकी कभी जनमानस में भी चर्चा नहीं हुई। अपने 7 साल के कुल वैवाहिक जीवन में पति के साथ इन्हें केवल 3 साल रहने का ही मौका मिला। फिर इन्हें और नन्ही सी बेटी को छोड़कर बोस जी को देश के लिए लड़ने जाना था। अपनी पत्नी से इस वादे के साथ गए कि पहले देश को आज़ाद करा लूं, फिर हम साथ साथ रहेंगे। अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कथित विमान दुर्घटना में बोस जी लापता हो गए। उस समय एमिली सेंकल बेहद युवा थी। वो चाहती तो यूरोपीय संस्कृति के अनुसार दूसरी शादी कर लेती, पर नहीं, वह बेहद ही कठिन तरीके से जीवन गुजारा। आपको जानकर बेहद दुख होगा कि एक तार घर में मामूली क्लर्क की नौकरी और बेहद कम वतन के साथ वो अपनी बेटी को पालती रही। जब तक भारत आज़ाद हो गया था, वो चाहती थी और उनका मन बहुत था भारत आने का, कि एक बार अपने पति के वतन की मिट्टी को हाथ से छूकर नेताजी को महसूस करूं, जिस वतन के लिए मेरे पति ने अपना जीवन होम कर दिया। लेकिन उनके आगमन की इच्छा की खबर को सुनकर गुलाबो चच्चा इतना भयभीत हो गए कि देश की बहू को आने के लिए उन्हें वीजा देने से मना कर दिया। तो ये होता है गीदड़ों के दिमाग में शेरों का खौफ। जी हाँ, गीदड़ों के दिमाग में शेरों का खौफ, ये वाक्य वास्तव में इस परिस्थिति में एकदम सही बैठता है। जबकि उन्हें सम्मान सहित बुलाकर भारत की नागरिकता देनी चाहिए थी। उस महान महिला का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने इसकी कभी किसी से शिकायत तक भी नहीं की और गुमनामी में ही मार्च 1996 में जीवन त्याग दिया। तो ये थी हमारे देश की बहू की कहानी, स्वर्गीय श्रीमती एमिली सेंकल की। देश पर बोझ बनकर शासन करने वाला विशेष विशेला परिवार कितना कुटिल, कायर और कपटी है, जिसने देश के साथ ही नहीं वरन देश के बलिदानी हुतात्माओं के और उनके परिजनों के साथ भी धोखा और छल किया है और आज भी कर रहा है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो में दी गई जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके हर एक सब्सक्राइब और लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब।